सो फ्रेंड हनी गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक जो कि मैं हल्दी फंक्शन के लिए करने वाली हूँ। मतलब थोड़े दिनों बाद मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ सब। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करना चाहिए जो मैं हल्दी पे करने वाली हूँ। ये है मेरा हल्दी लुक। तो चलिए गाइस देख लेते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। शुरू करते हैं। तो गाइज़ मेकअप करने से पहले हमेशा अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहिए, तो आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल अभी रोज़ वाटर को स्प्रे किया है चेहरे पे अच्छे से ताकि स्किन हमारी थोड़ी हाइड्रेट हो जाए। उसके बाद मैंने वैसलीन का बॉडी लोशन लगाया है, उसको भी मैंने डैब डैब करके अब्जॉर्ब किया। उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्राइमर, NY का प्राइमर लिया है मैंने, और उसको अपने टिप से हम लोग पूरे फेस पर फैलाएँगे। और गाइज़ को मसाज नहीं करना है, हल्का सा ऐसे दबा दबा के पूरा आपको डैब डैब करके पूरा स्किन में अब्जॉर्ब होने देना है। पूरा नेक वगैरह अच्छे सब जगह लगाना है। उसके बाद गाइज मैंने फाउंडेशन लिया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। और गाइज इसको भी हम लोग अपना पूरा अच्छे से फेस पे फैला लेंगे, पहले उंगली से फिंगर से टिप से ऐसे करके फैला लेंगे पूरा अच्छे गले तक। और उसके बाद हम लोग को अपना एक ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा वेट ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, उससे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और गाइस बहुत पानी नहीं होना चाहिए, एकदम स्क्वीज कर देना है ताकि वो ज़्यादा वैसा नहीं हो भाव। और गाइस अभी आजकल मेरे फेस पे थोड़े पिंपल हो रहे थे तो मुझे लगा एक लेयर और लगाना पड़ेगा, तो मैंने एक और लेयर लगाया फाउंडेशन का, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो गाइज़ हमारा फाउंडेशन ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुका है। तो गाइज़ अब मैंने NY का कंसीलर ले लिया है। अब हम लोग अपने डार्क सर्कल्स वगैरह बहुत होते हैं तो अपने आँखों के नीचे ऊपर हर जगह लगाएंगे। फॉरहेड पे भी लगाएंगे, नोज़ पे भी लगाएंगे, चिन पे भी लगाएंगे, थोड़ा सा अपर लिप पे भी लगाएंगे। आपको जहाँ लगता है हल्का सा स्किन आपका थोड़ा डार्क हो रहा है वहीं आप लगाएंगे कंसीलर को, और पूरे डार्क सर्कल्स कवर कर देगा ये, और आपके आई मेकअप को अच्छा बेस भी मिलता है इससे। अब गाइस को ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और गाइस आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आपने कंफर्ट के हिसाब से सकते हैं, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही किया है। अब अपना एक कॉन्टोरिंग स्टिक जिससे हम लोग कॉन्टोरिंग करेंगे। तो गाइस हम लोग अपने आप अपने गाल को हल्का सा ऐसे पिचकाएंगे और उसके बाद कॉन्टोरिंग का आपको समझ में आएगा कहाँ पे करना है। और गाइज आपका जॉ लाइन बहुत अच्छे से नज़र आए दिखाई दे तो उसके लिए जॉ लाइन के ऊपर भी पूरा अप्लाई करेंगे, और ऐसे नोज़ हमारा पॉइंटेड दिखे इसके लिए नोज़ पे भी कॉन्टोरिंग करेंगे और अच्छे से उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। और गाइज हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को ऊपर की तरफ हमको ब्लेंड करते हुए लेके जाना, नीचे की तरफ नहीं लाना है, तो हमारा शेड जो है ना ख़राब हो जाता है, वरना ऐसे हमारा अच्छे से वो स्मज हो जाएगा एकदम से। और गाइस ये हमारा जॉ लाइन में भी हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और हमेशा नीचे की तरफ लेके जाना चाहिए गले की तरफ जब हम लोग जॉ अपना कॉन्टोर कर रहे होते हैं। और नोज़ पे गाइस आप चाहें तो ब्रश की हेल्प ले सकते हैं, तो मैंने गाइस ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश दोनों की हेल्प से ही कॉन्टोरिंग की है, और बीच में थोड़ा सा कंसीलर और लगा दिया है और उसको भी फिंगर की टिप से ब्लेंड कर दिया है। गाइस अब हम लोग लगाएंगे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर पूरा मेकअप को सेट करने के लिए, अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए। तो गाइस मैंने मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, उसको अपने अच्छे से पूरे फेस पे फैला लेंगे, अच्छे से अप्लाई कर लेंगे गले वगैरह सब जगह पे। तो गाइस अब हम लोग लगाएंगे ब्लशर, और मैंने वेट एंड वाइल्ड का ब्लशर ले लिया है, और अब हम लोग अपने चीक पर लगाएंगे, चीक जो बोन होते हैं, चीक्स बोन होते हैं जो वहाँ पर लगाएंगे। और गाइस मुझे अब अपना आई मेकअप करना है तो मैंने एक गोल्ड शेड ले लिया, गोल्डन कलर का शेड ले लिया, जिसको हम लोग अपने आई के इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर सब जगह पे अप्लाई करेंगे, सब जगह पे, कोई भी जगह नहीं है जहाँ मतलब छोड़ना है उसको, वही सी जैसा शेप बना के पूरे अच्छे से हम लोग को अपने आई पे लगाना है। और गाइस मैं दोनों आई में साथ साथ में ही मेकअप करती हूँ, ऐसे वो मेरी आदत है, इनफैक्ट हर एक स्टेप मैं साथ में ही करती हूँ। और गाइस मेरी ड्रेस में थोड़ा सा मेहरून भी है तो हल्का सा मेहरून का भी टच देंगे इसमें। तो गाइस अभी आउटर कॉर्नर में हम लोग को थोड़ा अंदर लाते हुए ब्रश को इस वाले कलर को लगाना है।
और जब तक वो बिल्कुल डार्क ना हो जाए तब तक लगाना है। और गाइज हमको वही सेम कलर अपने आँख के नीचे वाले एरिया में भी लगाना है, हाफ आए तक, पूरा नहीं लगाना है, हाफ आए तक वही सेम शेड लगाएंगे। और जब तक हमको अपना परफेक्ट कलर नहीं मिल जाए तब तक हमको लगाना है। और ऐसे ही सेम दूसरे भी आँख पे करेंगे हम लोग। और गाइज अब हम लोग अपना थोड़ा सा अपना आईब्रोज को सेट करेंगे, फिल कर लेंगे मतलब। और गाइज मेकअप हो गया, आई मेकअप हमारा हो चुका है। अब मैंने मेबलिन की तरफ से द रॉक न्यूड पैलेट में से ये वाला शेड ले लिया है, जिससे हम लोग थोड़ा सा अपना आई को हाईलाइट करेंगे। तो इस तरीके से हाईलाइट करेंगे तो आपकी आँखें बहुत अच्छी दिखती हैं, मतलब काफ़ी उभरा उभरा लगता है ये वाला चीज़ जो है। गाइज हम लोग लगाएंगे लाइनर, मैं लैकमे का लाइनर लगा रही हूँ। गाइज बहुत थोड़ा टाइम दे के लगाना चाहिए वरना ख़राब हो जाता है, उससे क्या हमारा आई मेकअप भी ख़राब हो जाता है फिर। तो उसको थोड़ा धीरे धीरे आराम से लगाइए। गाइज लैकमे का ही काजल लगा रही हूँ मैं। गाइज दोनों आँखों में काजल भी लग चुका है, जो मैंने सिर्फ हाफ अपनी आँखों में लगाया है, पूरा इनर कॉर्नर तक नहीं लगाया है, सिर्फ हाफ तक छोड़ दिया है उसको। और मेबलिन का ही मैंने मास्कारा लिया है, ये मस्कारा गाइज मेरा ऑल टाइम फेवरेट है बहुत ज़्यादा। उसको लगा लिया है गाइज। अब हम लोग अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे। वैसे मैं कभी नहीं छेड़ती अपनी आईब्रोज, बट पता नहीं क्यों मन किया मेरा। तो गाइज अभी हमारी, क्योंकि पहले ही मेरी तो बहुत मोटी मोटी सी तो है ही, तो उनको मन नहीं करता मेरा छेड़ने का, लेकिन थोड़ा सा आज मैंने फिल कर दिया है। तो गाइज अब हम लोग लगाएंगे अपना हाइलाइटर, जो मेरे को लास्ट काम था हाइलाइटर का, वो लगा लेते हैं। तो मैंने गाइज स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ले लिया, उसकी नोज़ पे लगा लिया है उसको। और गाइज मैं फिंगर से ही कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैं हमेशा हाइलाइटर फिंगर से ही लगाती हूँ। अपने चीक्स बोन पर लगाएंगे दोनों साइड, थोड़ा सा फॉरहेड पे भी लगाएंगे, थोड़ा सा चिन पे लगाएंगे, थोड़ा सा अपर लिप पे लगाएंगे। तो गाइज हाइलाइटर लग गया है हमारा, अब हम लोग लगाएंगे लिपस्टिक। तो मैंने लैकमे की लिपस्टिक ले ली है, इसको भी लगा लेंगे आराम से धीरे धीरे। और गाइज आज पूरा टाइम लाइट एकदम ऐसा होता रहा, क्योंकि कभी बादल आ रहे कभी बादल जा रहे, तो एकदम से फेस पे कभी लाइट आ रही कभी नहीं आ रही, ऐसा ही होता रहा पूरा टाइम। तो गाइज देखिए मेरा मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आप लोगों से अपने लास्ट लुक के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। तो गाइज दिस इज द फाइनल लुक, मैंने बाल खुले छोड़े हुए हैं और गले में मंगलसूत्र है, गोल्डन कलर की इयररिंग्स पहने हैं, मैचिंग बैंगल्स पहने हैं, और गाइज लेगिंग के कलर का ही बिंदी भी लगाया है। यहाँ गाइस थोड़ा सा लुक चेंज किया है मैंने, मैंने फूलों वाला मांग टीका लगाया है, जो आप लोगों को पता है हल्दी वाले दिन ब्राइड पहना करती है। तो गाइज अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाजत, सायोनारा।